राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। कैसा बीता आपका जन्माष्टमी का त्यौहार? आई होप सो सभी का जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत बहुत अच्छा बीता होगा। मेरा जन्माष्टमी का त्यौहार तो उत्तम, अति उत्तम बीता। और अब जन्माष्टमी के बाद बारी आती है श्री कृष्ण जी की छठी की। देखिए, जिनके घरों में जन्माष्टमी बनाई जाती है, लाला का जन्म होता है, उनके घरों में छठी बनाने का भी प्रावधान होता है। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि श्री कृष्ण जी की छठी कैसे बनाए, कब बनाए, क्या क्या उसमें करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता। तो उस दिन की मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्री कृष्ण जी की छठी कब है। नाम से पता चल रहा है ना, छठी अर्थात 6 दिन बाद। तो अगर जन्माष्टमी 30 तारीख की है तो श्री कृष्ण जी की जो छठी है वो 4 तारीख को पड़ने वाली है। अच्छा, हाँ, उससे एक दिन पहले एकादशी का व्रत भी है, तो आप सभी लोग उस एकादशी का व्रत भी जरूर और जरूर करें। अब बात करते हैं छठी की। तो छठी का जो प्रावधान होता है वो 12 बजे होता है, अर्थात छठी 12 बजे ही बनाई जाती है। जैसे जैसे आप लोगों के घर पे होता हो, आप लोग उस तरीके से भी बना सकते हैं। और अगर आप लोगों के घर में आपको पता नहीं है कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सुबह सुबह आप जैसे भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, आप ठीक उसी प्रकार से पूजा अर्चना वंदना कर लीजिए। लेकिन 12 बजे आपको श्री कृष्ण जी को 5 चीजों से स्नान कराना है, अर्थात पंच अमृत से स्नान कराना है। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल, ये 5 चीजों से आपको श्री कृष्ण जी को अभिषेक कराना है। अभी तक आपको मंत्र थेरेपी जरूर देनी है श्री कृष्ण जी को, अर्थात मंत्र का जाप जरूर करना है। मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि जो मंत्रों के प्रभाव होती हूँ कि मंत्रों के 2 तरीके के प्रभाव होते हैं, एक होता है सकारात्मक प्रभाव, एक होता है नकारात्मक प्रभाव। अगर हम मंत्र गलत उच्चारण करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव भी हम पर ही हावी होता है। इसलिए ज्यादा, बहुत ज्यादा कठिन मंत्र कभी भी मत बोलने का प्रयास कीजिए अगर आपका उच्चारण सही नहीं है। आप सिंपल सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए श्री कृष्ण जी को पंच अभिषेक से स्नान कराइए। सबसे पहले आप उनको गंगा जल से स्नान कराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर दूध से स्नान कराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर दही से स्नान कराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर शहद से स्नान कराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर अंत में आप उनको घी से स्नान कराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और लास्ट में आप तुलसी दल डाल के गंगा जल से स्वतः दोबारा एक बार स्नान जरूर कराइए। स्नान कराने के तत्पश्चात आपको उनको छठी है तो पीले ही वस्त्र आपको पहनाने हैं। पीले और नए वस्त्रों का ही चलन छठी में होता है। जैसे कि जब आप लोगों के घर पे किसी का बच्चा होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि छठी वाले दिन उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, और उनको पीले वस्त्र अगर पहनाते हैं तो उसको सोने पे सुहागा हमें फल मिलता है। उसके तत्पश्चात आपको करना क्या है, इस दिन आपके घर पे पीले वस्त्र उनको पहनाइए, उनका संपूर्ण श्रृंगार कीजिए, उनको काजल लगाइए। काजल लगाना इस दिन विशेष अनिवार्य होता है। मान लीजिए आप इस उंगली से उनको काजल लगा रहे हैं तो वो इसी उंगली का लगा बचा हुआ काजल आप अपनी आंख में जरूर लगाइए, और आपके परिवार में जितने भी सदस्य मौजूद हैं उनको जरूर लगाइए। हाँ, काजल उस दिन अगर आप पाक सकते हैं, अर्थात आप देसी घी में कोई काजल पाकता है, कोई कोई सरसों के तेल में काजल पाकता है, और कोई कोई आर्टिफिशियल जो बाहर के काजल आते हैं वो भी उपयोग में आप लेके आ सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा, जो भी आप में भाव आ रहा हो। लेकिन उस दिन काजल लगाना अति अनिवार्य होता है। श्री कृष्ण को काजल लगाने के तत्पश्चात वो काजल आप उन लोगों को लगा सकते हैं जिन लोगों को नजर बहुत लगती है। जैसे कि अगर आपके बच्चों को नजर बहुत लगती है तो जो काजल आपने श्री कृष्ण जी को लगाया है वो काजल आप अपने बच्चों को अवश्य लगाइए। अगर आपके घर को किसी ने नजरबंद कर रखा है, आपके घर को बहुत नजर लगती है, तो उस काजल का एक छोटा सा टुकड़ी करके कहीं भी किसी भी कोनर पे लगा सकते हैं। मेन गेट पे उस काजल को जरूर लगा के आ जाइए, एक छोटी छोटी सी बिंदी उस काजल को लगा के आ जाइए। अगर आपके व्यापार को नजर बहुत लगती है तो अपने व्यापार पे भी उस काजल को लगा दीजिए। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है, काजल श्री कृष्ण जी का जो काजल होता है, काजल लगाने की जो रस्म होती है वो जरूर कीजिए, और काजल लगाने के बाद उनके ऊपर से थोड़ा सा मेघ जरूर चढ़ाइए, अर्थात
उन पे नजर जरूर उतारिए, और वो नजर अगर हो सके तो किसी किन्नर को दीजिए। इससे आपको जो छठी का जो फल होता है वो दुगना मिलता है। अगर किन्नर ना मिले तो आप बच्चे या ब्राह्मण में से किसी को भी वो नजर दे सकते हैं। नजर आपने उनकी उतारी है, तत्पश्चात आप काजल लगाने के बाद आप उनको माखन मिश्री का भोग सबसे पहले दीजिए। माखन मिश्री का भोग देने के बाद विधान होता है कि छठी में कड़ी चावल बनना अनिवार्य होता है। आप लोग कड़ी और चावल जरूर बनाइए। कड़ी चावल बनाने के बाद आप श्री कृष्ण जी को कड़ी चावल का भोग लगाइए। छठी है तो छह प्रकार के पकवानों का विधान होता है। आप छह प्रकार की मिठाई ले सकते हैं, छह प्रकार की सब्जियां ले सकते हैं, मिक्स वेज बना सकते हैं उस दिन आप, मतलब छह प्रकार की सब्जियां अलग अलग भी बना सकते हैं। आप लोग चाहें तो छह प्रकार की सब्जियां एक बार में ही बना सकते हैं और मिक्स वेज बना के श्री कृष्ण जी को दे सकते हैं। छह प्रकार के फ्रूट्स आप श्री कृष्ण जी को भेंट कर सकते हैं, और छह प्रकार की स्वीट श्री कृष्ण जी को दे सकते हैं। छह प्रकार के ड्राई फ्रूट श्री कृष्ण जी के समक्ष जरूर रखिए भोजन करने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए। आप चाहो तो 56 भोग का प्रसाद भी रख सकते हो। मैं 56 भोग का प्रसाद इसलिए नहीं रखती क्योंकि मैं जन्माष्टमी पे 56 भोग का प्रसाद नहीं करती। आप देख सकते हो, ये मैं आपको यहाँ पे वीडियो डाल दूंगी, आप देख सकते हो कि किस प्रकार से मैंने जन्माष्टमी पे 56 भोग लगाए थे। ये इसलिए मैं श्री कृष्ण जी की छठी पर 56 भोग नहीं प्रेफर करती हूँ। और फिर भोग लगने के तत्पश्चात आप लोग थोड़ी सी बधाइयां गाइए, नाचिए गाइए, या फिर अगर नाच नहीं सकते गा नहीं सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए अपने घर की जो चाबी है वो श्री कृष्ण के पास कुछ देर के लिए रख दीजिए। उनको उपहार में एक बांसुरी, एक मोर का पंख, एक गैया मैया, एक कछुआ, एक राधा कृष्ण की मूर्ति, इनमें से आप कुछ भी एक उपहार स्वरूप जरूर श्री कृष्ण जी को दीजिए और उनसे अपना एक रिलेशन डेवलप कीजिए। जैसे कि मेरे ये जो बाल गोपाल इस समय झूला झूल रहे हैं तो इनसे मैंने दोस्ती का रिलेशन डेवलप कर रखा है, आप भी एक उनसे रिलेशन डेवलप कीजिए। अपने घर की चाबी उनके पास रख दीजिए और उनसे ये बोल दीजिए कि भैया ये मेरे घर की चाबी है, अब आप चाहे तो उसको यहाँ पे ले जाए, आप चाहो तो उसको यहाँ पे ले जाए, मैंने अपने घर का मालिक आपको बना दिया है, मैं आपकी उंगली मैंने पकड़ ली है, अब आपको मैंने आपकी उंगली पकड़ ली है, अब इस मोह माया से आप ही मुझे पार कराएंगे। जब आप उनको मालिक बना देंगे ना तो देखिए आपका घर जो है वो कितनी जल्दी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। ये थोड़ी सी विधि है छठी की। आप लोग फिर कड़ी चावल का प्रसाद बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और आप कहोगे कि दीदी जन्माष्टमी बनाने के बाद अभी तक आपने ये सब कुछ नहीं हटाया है, तो मैं आपको बता दूं कि जन्माष्टमी के बाद छठी तक जो ये चौकी होती है वो लगी रहती है, छठी वहीं पे पूजी जाती है, यहाँ पे जन्म कराया जाए तो बहुत ज्यादा शुभ फल देती है। ये मैंने चौकी अभी तक नहीं हटाई है, ये चौकी तब तक लगी रहेगी जब तक मैं छठी नहीं पूज लूंगी। छठी पूजने के बाद ये चौकी मैं हटाऊंगी। आज भी आप देख रहे होंगे कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल पीछे बैठे हुए हैं, झूले पे झूल रहे हैं, और ये सब चीज आप श्री कृष्ण जी से जरूर कीजिए। इस विधि से आप लोगों को छठी का त्योहार बनाना है। छठी का त्योहार कोई ज्यादा टफ नहीं है, एक उत्सव ही होता है। अगर आपने श्री कृष्ण जी का जन्म करा है तो आपको छठी बनानी 100% जरूरी है। अगर आपने श्री कृष्ण जी का जन्म नहीं करा तब भी आप एटलीस्ट कड़ी चावल तो बना लीजिए। अब आप कहोगे दीदी हमारे घर पे लड्डू गोपाल नहीं है, क्या हम भी कड़ी चावल बना सकते हैं? तो डेफिनेटली बात है, आपके घर पे लड्डू गोपाल नहीं है लेकिन इस दुनिया में तो लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जी बाल गोपाल मौजूद है। आप कड़ी चावल का उस दिन जरूर सेवन करें। स्वतः भी कड़ी चावल का हमें सेवन करना चाहिए, भंडारा भी किया जाता है कड़ी चावल का, बांटा भी जाता है। तो इस विधि से आपको छठी श्री कृष्ण जी की जरूर बनानी है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।